मंजिले क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। जय हिंद। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा, बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया। जी बिल्कुल सही वीडियो पे। उसमें आपने देखा कि आपके सपोर्ट की जरूरत है। जी बिल्कुल, जो है आपके सपोर्ट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए जो है बहुत ही सारे प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, चाहे यूट्यूब हो या बहुत सारे ऐप्स जो है उसके माध्यम से सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट जो है अच्छे से पढ़ाई करके जो है एग्जाम में अच्छा नंबर लाते हैं। और यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए जो है यूट्यूब पर हम देखते हैं, प्लेटफॉर्म तो है, यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, उस पर अध्यापक भी, ऐसा नहीं है कि कोई खराब पढ़ाता है, लेकिन ज्यादातर अध्यापक जो है फेस टू फेस जो है आ करके इस तरह से कोई पढ़ाने वाला नहीं। हम देखते हैं ज्यादातर जो है लोग कॉपी रख करके, किताब रख करके, केवल किताब और कॉपी को जो है उसी में क्वेश्चन आंसर आपको जो है बताकर समझा देते हैं या बुक से समझा देते हैं। एक्सप्लेन करना रहता है तो व्हाइट बोर्ड पर नहीं आते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड में आप देखते होंगे जैसे कि डियर सर, डाउट नॉट या जो है मैग्नेट ब्रेन, इस तरह के जो है बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो फेस टू फेस आ करके जो है और सीबीएसई बोर्ड के छात्रों को जो है पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, क्वेश्चन आंसर बोर्ड पे ही बताते हैं। यूपी बोर्ड में ऐसा नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो आपके लिए जो है फेस टू फेस या लाइव क्लास के थ्रू फेस टू फेस जो है आपको पढ़ाया जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो बनाया ताकि आपके सपोर्ट की जरूरत है, आपके सहयोग की जरूरत है। मदद करिए, सहयोग करिए। आने वाले समय में या आपका जो भी एग्जाम अभी 2023 के एग्जाम में क्लास 10 का जो भी आपका, चाहे हिंदी का भी बात की जाए, चाहे वह अंग्रेजी की बात की जाए, दो सब्जेक्ट में आपको जो है यहां पे लिख करके दे रहा हूं कि जो है 90 प्लस मार्क लाने की क्षमता में खुद दिलवाने की क्षमता रखता हूं सिर्फ मॉडल पेपर के थ्रू। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो 90 प्लस जाएगा, अगर आप मेहनत करते हैं, हमारे जितने भी बताए गए क्वेश्चन को अच्छे से याद करते हैं तो 90 प्लस जाएगा, अगर आप सिर्फ मॉडल पेपर तैयार करते हैं तो 85 से लेकर के 90 के बीच में आपका मार्क्स जरूर आएगा, चाहे वह छात्र कैसा भी हो। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि नकल जो है नहीं हो रहा है। नकल अगर हो रहा होता तभी भी जो है आप जो है उसको जो है पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता, नकल से आप पास हो जाते, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम में या किसी अन्य क्षेत्र में जाते तो वहाँ पे जो है आपको एग्जाम में कोई जो है चांसेस नहीं बनता है नकल का, और वहाँ से आपको जो है निराश और खाली हाथ वापस लौटना पड़ता। तो इसलिए आप जो है अभी से मेहनत करना प्रारंभ करिए, और जो है जितने भी लड़के हैं 10 के स्टूडेंट हैं, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में अनिवार्य संस्कृत जो है आप जो है बिल्कुल मुँह पर याद करके जाएंगे, एग्जाम में लिखेंगे इस तरह से आपको अनिवार्य संस्कृत पर बताया जाएगा। अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी भी जो है आपको बेहतरीन तरीके से बताया जाएगा। आप वीडियो के जो है कंटेंट भी देख सकते हैं, देख करके समझ सकते हैं, कोई भी वीडियो, ऐसा कोई वीडियो ना हो जिसमें आपको जो है समझ में ना आया हो। आप देखिए और आप खुद अंदाजा लगाइए कि किस तरह से जो है कंटेंट है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए अपने मित्रों को भी। दूसरी चीज़ कि आज के समय में आप मेहनत करते हैं, अगर मेहनत के दम पे अगर आप जो है सफल हो जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि ये जो है तकदीर के भरोसे, भाग के भरोसे जो है सफल हो गया। तो इसमें बहुत जो है अजीब लगता है जब लोग कहते हैं कि ये जो है तकदीर के भरोसे जो है सफल हो गया। तो ये कहा होता है ना कि सफलता के कपड़े तैयार नहीं मिलते, उसे सिलने के लिए मेहनत का धागा भी जरूरी होता है। बहुत तकलीफ होती है जब मेहनत को तकदीर का नाम दे दिया जाता है। तो आप भी जो है मेहनत करिए, नहीं तो लोग कहेंगे कि जो है तकदीर के भरोसे, भाग्य के भरोसे आप पास हो गए। जैसे तैसे पास होना बड़ी बात नहीं है, देखिए बोर्ड के एग्जाम में पास होना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह कि आप मार्क्स कितना ला रहे हैं, कितना परसेंटेज ला रहे हैं। क्योंकि पास होने के लिए 60%, 65%, 70%, आज के समय में 90% भी बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्योंकि अभी ये जो है पोस्टमैन की एक वैकेंसी आई थी, उसमें देखा था कि मेरिट जो है 98 गया था। अगर मेरिट पे आने वाले समय में कोई भी वैकेंसी आती है तो अगर आप मेहनत नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो फिर जो है आपको पास होने का कोई मतलब नहीं है। उस समय आपको लगेगा कि अगर हमने मेहनत किया होता तो नंबर और ज़्यादा आया होता और हम भी जो है हमारा भी इस वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाता। जो लाइन में जाते हैं उनकी बात की जाती है, बाकी जो अन्य क्षेत्र में जाएंगे उनके लिए भी मेहनत जरूरी है। क्योंकि परसेंटेज जो है बहुत मायने आज के समय में मेहनत के दम पे, सिर्फ परसेंटेज भी मायने नहीं रखता, उसमें टैलेंटेड भी, जानकारी भी होना आवश्यक है। आप संघर्ष करिए, लगातार हमसे जुड़े रहिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर अंग्रेजी में जो खूब कमजोर छात्र होगा वह भी 80 प्लस जो है नंबर लाएगा सिर्फ मॉडल पेपर से। अगर मेहनत करता है, जितने भी प्रश्न हम बताते हैं तैयार करता है, उसमें जो है 90 प्लस जो है मार्क्स आने के पूरे 100% चांसेस है।
दूसरी चीज हिंदी में रस छंद अलंकार की बात की जाए, अनिवार्य संस्कृत की बात की जाए, गद्यांश और पद्यांश की बात की जाए, या आपका मेवाड़ मुकुट हो या जो भी खंड काव्य हो, इन सब चीजों की बात की जाए तो वह भी जो है बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जाएगा। कुछ ही दिन में उसकी भी क्लासेस चलने वाली है। बाकी अभी तांडव बैच 18 सितंबर से हमने बताया था, वीडियो भी बनाया था, आप देखिएगा पूरा उसके जो है प्रक्रिया को समझिएगा और जो है अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। आप देखते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए जो है बहुत सारे जो है प्लेटफॉर्म है, लेकिन यूपी बोर्ड के लिए ऐसी कोई प्लेटफॉर्म हम बहुत जो है कम देखते हैं जो कि फेस टू फेस आकर के बात करें। अगर आप फेस टू फेस आकर के पढ़ना चाहते हैं, लाइव क्लास में अपने प्रश्न बातों को रख करके पढ़ना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने बातों को रखते हैं, तुरंत उसका जवाब मिलेगा आपको अगले वीडियो में। तो इन सब चीजों को अगर जो है आप इकट्ठा करना चाहते हैं और ज्यादा जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो है सहयोग करिए, आपका भी जो है पूर्ण रूप से जो है सहयोग किया जाएगा, 100% आपके ऊपर समय दिया जाएगा। बस यही बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।